दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से इस नए वीडियो में हम आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे करी पत्ता, करी लीव्स प्लांट की देखभाल कैसे करें, करी पत्ते का केयर कैसे करें, करी लीव प्लांट्स केयर टिप्स। दोस्तों देखिए, हम एक वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन भरपूर जानकारी देंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको कड़ी पत्ता के लिए और अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये मेरा कड़ी पत्ता का पेड़, और कड़ी पत्ता का पेड़ अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी हाइट 20-25 फीट तक हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, मेरा कड़ी पत्ता कम से कम 15-16 फीट की ऊँचाई तक हो गया है। दोस्तों देखिए, इसमें ये तमाम सीड लगते हैं, ये तमाम बीज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब सीड से हम कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो करते हैं। दोस्तों, बीज से उगाना, कड़ी पत्ता का पौधा उगाने के लिए सबसे आसान तरीका है। अब बात करें कि आप किन तरीक़ों से कड़ी पत्ता का पौधा लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाइए, अपने घर में रिपाट कर दीजिए। दूसरा तरीका, दोस्तों देखिए, इस तरह की कटिंग लेकर के आप उगा सकते हैं कड़ी पत्ता को। और दोस्तों देखिए, ये बीज से उगाने का अपडेट है, ये 5 महीने का अपडेट है। 5 महीने पहले फरवरी में इस पौधे को हम लगाए थे। ये देखिए, इसमें कई पौधे हैं, ये कितने अच्छे पौधे बीज से तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से नर्सरी से लाइए, कटिंग से उगाइए, बीज से उगाइए। बीज से उगाना सबसे आसान है। दोस्तों देखिए, ये कटिंग उगाने का, सीड से उगाने का मेरा अलग से वीडियो है, आप उस दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम केयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये मेरा नीम का पौधा है, ये मीठी नीम का पौधा, कड़ी पत्ता। अभी आप देखिए, ये कितने सुंदर इसमें फल लगे हुए हैं, ये इसके फल हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बताएँगे पहला पॉइंट कि कड़ी पत्ता के पौधे को घना करने के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, कड़ी पत्ता को घना करने का एक ही रास्ता है, वह है प्रूनिंग। आपको अपने कड़ी पत्ता के पौधे का बराबर प्रूनिंग करते रहना है। अब देखिए, प्रूनिंग करने से एक तो आपका कड़ी पत्ता का पौधा घना होता है। ये देखिए, ये देखिए, हमने यहाँ से, ये देखिए, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया था। अब ये देखिए, यहाँ पर एक के जगह पर 2 ब्रांचेज निकल गई हैं। तो इस तरह से प्रूनिंग करेंगे, इसके टहनी के अगले टिप्स को कट कर देंगे तो उसके बगल से 2-3 टहनी निकलती हैं। इस तरह से आपका पौधा घना होता है। आप प्रूनिंग के द्वारा पौधे का शेप मेंटेन करते हैं, आकार को मेंटेन करते हैं। अगर कहीं से पौधा अननेसेसरी ग्रोथ कर रहा है, देखने में भद्दा लग रहा है, तो आप प्रूनिंग के द्वारा अपने पौधे को अच्छा आकार दे सकते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है, हम अपने इस पौधे की, इस तरह से देखिए, प्रूनिंग करते रहते हैं। अब देखिए, प्रूनिंग करने के बाद जहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे आपको कोई फंगिसाइड पाउडर, साफ फंगिसाइड, या इस तरह से हल्दी पाउडर, कुछ न कुछ लगाना है। नहीं तो यहाँ पे डाई बैग की शिकायत लगती है, ये टहनी यहीं से सूखना शुरू करती है और धीरे धीरे ये पूरी टहनी सूख जाती है। तो प्रूनिंग करिए तो इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए, ये हमारे कड़ी पत्ता के पौधे हैं, कड़ी पत्ता के पौधे हैं ये, इनकी, ये देखिए, कोई पौधा देख लीजिए, इनमें सिंगल स्टेम्प है, यह सीधे तना ऊपर को बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब इसकी ऊंचाई कम से कम 1 मीटर के आसपास हो जाती है, इस नीम के, मीठी नीम के पौधे की, तो 1 मीटर ऊंचाई होने पे 2 फीट के ऊपर से इसके तने को कट कर देना है। जब 2 फीट के ऊपर से तने को कट कर देंगे तो वहीं से आपके 3-4 निकलेंगे, 3-4 शाखाएँ निकलेंगी। तो उसमें स्वस्थ देख करके 3 शाखाएँ या 4 शाखाएँ आप रख सकते हैं, नहीं तो ये पौधा आपका बहुत ऊंचा हो जाएगा और घना नहीं होगा, या घना होगा एकदम ऊपर जाके होगा, तो आपको पत्तियां तोड़ने में भी तकलीफ़ होगी, प्रूनिंग करने में भी तकलीफ़ होगी। मेरा ये पौधा है कड़ी पत्ते का, ये देखिए 2.5 फीट की ऊंचाई पे हमने यहाँ इसको कट कर दिया था। अब ये कट करने से यहाँ से हमको 2 शाखाएँ मिल गई हैं और ऊपर जा करके बहुत ढेर सारी शाखाएँ हैं। तो प्रूनिंग के लिए इतनी जानकारी आपको काफ़ी है। अगर कोई टहनी सूखती है और कहीं से भी सूखा भाग दिखाई दे, सूखी पत्तियां दिखाई दें, तो आप उन्हें काट दीजिए।
दोस्तों देखिए, प्रूनिंग का एक समय होता है, ऐसा नहीं है कि जब मन में आया तब प्रूनिंग कर दिए। गर्मी में अप्रैल मई में प्रूनिंग कर देंगे तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। प्रूनिंग का टाइम जानिए, आपको प्रूनिंग करना है फरवरी और मार्च के महीने में। अगर आप फरवरी मार्च में प्रूनिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको अगला समय मिलता है ये जून समाप्त होने के बाद जुलाई और अगस्त का। या तो फरवरी मार्च में प्रूनिंग करिए या जुलाई अगस्त में प्रूनिंग करिए। दोस्तों देखिए, कड़ी पत्ते के ग्रोथ का जो टाइम होता है वो फरवरी से लेकर के नवंबर तक का होता है। दिसंबर और जनवरी दो महीना ये कड़ी लीव्स प्लांट डारमेंसी में चला जाता है, सुसुप्तावस्था में चला जाता है, उस समय इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो दोस्तों उस समय कोई भी खाद देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि खाद बर्बाद जाती है, खाद कोई काम नहीं करती है। कितना भी आप खाद डालेंगे डारमेंसी पीरियड में आपके पौधे का ग्रोथ नहीं होगा। तो जो ग्रोथ का सीजन है उसमें आपको खाद देना है डारमेंसी पीरियड में, केवल नमी मेंटेन करके रखिए। उस समय तो पौधा एकदम से मुरझाया मुरझाया रहता है, पत्तियाँ भी एकदम से अलग रंग की दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी आती है तो इसमें ग्रोथ प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों देखिए, अब आगे बात आती है कि कड़ी पत्ता को किस साइज़ के गमले में लगाएं। तो पौधा लगाने के लिए आप नर्सरी से पौधा लाते हैं, कटिंग से ग्रो करते हैं या सीड से ग्रो करते हैं, पौधे को शुरुआती दौर में छोटे गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। गमले का साइज शुरुआत में कम से कम 10 इंच का लीजिए या 12 इंच का गमला ले सकते हैं। अगर ग्रो बैग लेते हैं तो 10 इंच का ग्रो बैग काफ़ी है। ये देखिए, ये हमने ग्रो बैग लिया है, तो ग्रो बैग लीजिए, गमला लीजिए, जो भी आप लेंगे उसमें चेक कर लीजिए, ड्रेनेज होल होना चाहिए, पानी निकलने की जगह नीचे बनी हो। अगर पानी रुकेगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा, कड़ी पत्ते की जड़ें सड़ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से गमला लीजिए, आप मिट्टी का भी गमला ले सकते हैं, सीमेंट का भी गमला ले सकते हैं। तो गमले में आपको पौधा शिफ्ट करना है। अब बात आती है मिट्टी बनाने की, मिट्टी कैसे बनाएंगे। तो मिट्टी आपको जो भी लेना है, वेल ड्रेन मिट्टी लेना है, जल निकासी वाली मिट्टी लेना है, उपजाऊ मिट्टी लेना है, फर्टाइल मिट्टी बनाना है। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी बनाने के लिए देखिए, मिट्टी का पीएच 6.5 टू 7.5 के बीच में होगा तो यह मिट्टी जो है नीम के पत्ते के लिए, कड़ी पत्ते के पौधे के लिए उपयुक्त है। दोस्तों देखिए, जो मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी में उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए, वेल्डेन मिट्टी बनाने के लिए, जल निकासी वाली मिट्टी बनाने के लिए आप ले लीजिए 50% नॉर्मल गार्डन सॉयल, और नॉर्मल गार्डन सॉयल में आपको 30% कंपोस्ट खाद मिलाना है। कोई भी कंपोस्ट खाद मिला सकते हैं, गोबर का खाद मिला लीजिए, काउडंग कंपोस्ट, लीप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, आपके पास जो भी कंपोस्ट उपलब्ध है 30% मिला लीजिए। 20% में आपको मिलाना होगा, ये देखिए, मिट्टी को हल्का करने के लिए बालू मिलाना होगा, राइस हस्क, धान की भूसी या कोकोपीट, तीनों को मिला करके मिक्स कर लीजिए, या आपके पास जो भी उपलब्ध हो ये चीज़ आपको 20% लेना है। साथ में मिट्टी को कीटाणुनाशक बनाना है, तो मिट्टी को कीटाणुनाशक बनाने के लिए मिट्टी के अंदर या तो आप साइपरमेथ्रिन, फेरीडाल, इस तरह के कोई कीटाणुनाशक पाउडर मिलाइए, या तो आप इसमें मिट्टी में नीम खली मिला दीजिए। नीम खली मिलाने से भी आपकी मिट्टी जो है कीटाणुनाशक हो जाएगी। दोस्तों आप इसमें नीम की सूखी पत्तियां भी मिट्टी में मिला सकते हैं, उससे भी कीट और फंगस का असर नहीं होता है। तो इस तरह से आपको मिट्टी तैयार करना है, मिट्टी तैयार करके पौधे को लगा दीजिए। शुरुआती दौर में एक साल तक आपको पौधे को विशेष केयर करने की ज़रूरत होती है, नमी न सूखे, पानी कितना दें। तो जान लीजिए, पानी के विषय में इसमें हर समय नमी मेंटेन होनी चाहिए, नमी को ख़त्म मत होने दीजिए, ओवर वाटरिंग मत करिए, ज़्यादा पानी मत डालिए। जब आप देखिए कि ऊपर से मिट्टी का लेवल 1-2 इंच सूखा है तो आप पानी डालिए। वैसे भी ये जो कड़ी पत्ते का पौधा है ये पसंद करता है सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी में हल्की नमी। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया पानी आपको कितना देना है। दोस्तों देखिए, बरसात का दिन है तो बरसात के दिन में जैसे ही बरसात बंद होती है आप अपने गमलों को चेक करिए, अगर कड़ी पत्ते के गमले में या किसी गमले में पानी रुका हुआ है तो गमले को टेढ़ा करके पानी को निकाल दीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आप ज़मीन के अंदर लगाते हैं,
और अगर आपके पास ज़मीन में जगह उपलब्ध है तो कढ़ी पत्ता का पौधा काफ़ी लंबा होता है। हम शुरुआत में ही बताए कि ये 20-25 फीट तक ऊंचा हो जाता है, गमले में इतना बड़ा नहीं होगा, गमले में छोटा ही रहता है, गमले में 8-10 फीट तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बार बार गमला बदलना पड़ेगा, गमले को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ज़मीन उपलब्ध है तो ज़मीन में लगाइए, ये सबसे बेटर है। और एक टिप्स हमने इम्पॉर्टेंट शुरू में बता दिया था बीच में आपको कि ये जो उगाने वाला काम है, सीड से उगाना एकदम से आसान है। आप कटिंग से ग्रो करने का कोशिश मत करिए, हम लोग उगा लेते हैं लेकिन उस पौधे को ग्रोथ पे आने में बहुत समय लग जाता है। तो आप जब भी उगाइए सीड से उगाइए या नर्सरी से लाइए, यही बेटर है। तो दोस्तों जहाँ ज़मीन में आप पौधा लगाएंगे तो ढालुई ज़मीन हो, मतलब बरसात का पानी वहाँ पे रुकने लायक ना हो। अगर बरसात का पानी रुकेगा तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस कढ़ी पत्ते की रीपॉटिंग जो है, पहले हम छोटे गमले में करते हैं, ये 10 इंच के गमले में किए। जब ये पौधा बड़ा होगा 6 महीने में तो फिर गमले की साइज़ 2 इंच बढ़ा देंगे, 12 इंच के गमले में कर देंगे। फिर 1-2 साल के बाद जैसा ज़रूरत होगा तो गमले का साइज़ 14 इंच कर देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे गमले की साइज़ को अपग्रेड करते जाते हैं। दोस्तों देखिए बात करें धूप की, इसको कितना धूप चाहिए। तो ये फुल सनलाइट का पौधा है, ये कड़ी पत्ता जो है आपका फुल सनलाइट का पौधा है और आपको इसको 5-6 घंटे धूप देना है। तो ऐसी जगह पौधा लगाइए जहाँ पे 5-6 घंटे इस कड़ी पत्ते के पौधे को धूप मिल सके, क्योंकि जब अच्छी धूप मिलेगी तभी ये अच्छा ग्रो करता है। दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं कि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होने पे ये पौधा, ये कड़ी पत्ता का पौधा देखिए हमने उगाया कितना बढ़िया ग्रो किया है। तो ये 15 से 35 अंश डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पे बहुत अच्छा से ग्रो करता है। दोस्तों अगर इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा, 15 से नीचे जाएगा या 35 से ऊपर जाएगा, तो 35 से ऊपर जाएगा तो उसको हम भीषण गर्मी मानेंगे, तो ये भीषण गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं करता है। और 15 के नीचे जाता है डारमेंसी के टाइम पे तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो ये ज़्यादा ठंडक में भी नहीं चल पाता है। तो अगर आपका पौधा गमले में रखा हुआ, अगर आप उसको उठा करके छाया में कर सकते हैं तो आपको कड़ी धूप से और कड़ी ठंडक से अपने कड़ी पत्ते के पौधे को बचा के रखना है। दोस्तों देखिए कड़ी पत्ते पे कीट का भी असर होता है, स्केल्स हुआ, मिली बग्स हुए, तो इस तरह के चींटियाँ हुई, कुछ कीट का असर हमारे पौधे पे होता है, फंगस का असर होता है। तो इससे बचने के लिए हमको महीने में एक बार, रोग लगे या ना लगे, महीने में एक बार आप अगर नीम आयल का छिड़काव कर देंगे तो आपका कड़ी पौधा का प्लांट एकदम सुरक्षित रहता है। तो नीम आयल का छिड़काव महीने में एक बार करिए। इसके पत्तियों के ऊपर अगर कीट का असर है तो आप राख का छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों सांप फंगीसाइड, फंगीसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से गैमेक्सिन पाउडर, फेरेडाल पाउडर, साइपरमेथ्रिन, ये सब का राख में मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। आपकी पत्तियाँ हरी भरी और अच्छी रहेंगी, वैसे ज़्यादा कीट आपको देखने को नहीं मिलता है, फिर भी सुरक्षा के लिहाज से नीम आयल का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए खाद के बारे में जान लीजिए, कड़ी पत्ते के पौधे में कौन सी खाद डालें। तो आप यह जानिए कि कड़ी पत्ते के पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो नाइट्रोजन से युक्त कोई भी फर्टिलाइज़र देना है, नाइट्रोजन के लिए सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। दोस्तों इसके अलावा चूँकि इस पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम की भी ज़रूरत है, तो आप संतुलित खाद NPK 19-19-19 या 20-20-20 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप NPK 12-32-16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सब केमिकल इस्तेमाल ना करना चाहें तो दोस्तों आप घर में बनी हुई नीम खली और सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, इसमें अप्लाई करिए समय समय पे। अगर आप चाहते हैं तो होममेड फर्टिलाइज़र, जैसे केले के छिलके की खाद है और लहसुन के छिलके की खाद है, प्याज के छिलके की खाद है, ये सब खाद भी हमारे कड़ी पत्ता के पौधे को हरा भरा और अच्छा रखती है। दोस्तों देखिए हम समझते हैं कि ये जानकारी जो हमने आपको दिया ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बताई गई टिप्स का आप अपने पौधों में इस्तेमाल करिए। और जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरा कड़ी पत्ता का पौधा, ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है, कितना घना है, कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। तो आपके पौधे भी इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपको
जो चीज़ें जानना चाहिए हमने सारी बात बताया है, फिर भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा हमसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी लोग कुशल पूर्वक रहें। दोस्तों आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।